अंतरराष्ट्रीय जगत में कुश्ती की पहचान ओलंपिक मैट से हुई। लोगों ने बड़े बड़े स्वर्ण पदक जीते और अंतरराष्ट्रीय जगत में बड़ी बड़ी शक्तियों का, बड़े बड़े देशों का नाम हुआ। यह बात अलग है कि पहचान मिट्टी की कुश्ती के रूप में भारत से हुई। अखाड़ों से होती हुई कुश्ती जब अंतरराष्ट्रीय मैट पर पहुंची, ओलंपिक मैट पर पहुंची, तो उसका रास्ता दंगलों से होकर ही गुजरा। पहलवान लोग अखाड़ा खोदते थे, दंड बैठक पेलते थे, रस्सी कूदते थे, डंबल करते थे। ये वो वार्म अप एक्सरसाइज थी जो कुश्ती के लिए बहुत जरूरी है। और भारत तो कुश्ती का जन्मदाता माना जाता है। हमारे रामायण काल हो या महाभारत काल हो, मल्ल विद्या का उसमें उल्लेख है। आज जब देश और दुनिया में कोरोना ने अपना असर एक महामारी के रूप में सबके सामने रखा है, तो उससे बचाव बहुत जरूरी है। कुश्ती की दुनिया में, जो देश में, विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद इलाके में दंगल होते रहे हैं, वो ऑल इंडिया रेसलिंग फेडरेशन के राष्ट्रीय चेयरमैन प्रशांत रोहतगी अपनी टीम के साथ करवाते रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि एक मौका है कि आप अपने आप को फिट रखिए और हिट रखिए। तो क्यों ना ऐसे पहलवान लोग जो अलग अलग अखाड़ों से जुड़े हुए हैं, वो यदि अपने डंबल की प्रैक्टिस करते हुए या फिर दंड पेलते हुए या फिर रस्सी कूद करते हुए या फिर टू लेग जंप करते हुए हमारे पास अपनी वीडियो भेजेंगे, हम उन्हें जो जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको पुरस्कार देंगे, एक अच्छी पहल है। उन्होंने यह भी बताया कि आज समय है भारत को बचाओ, भारत को बनाओ, बड़ी अच्छी पहल है। तो आइए इस मामले में ये कुश्ती फेडरेशन के खलीफा प्रशांत रोहतगी का क्या कहना है, उनकी टीम के सदस्यों का क्या कहना है। कुश्ती मिट्टी से जुड़ा खेल है। भारत की इस पावन धरती पर कई ऐसे सूरमाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने पहलवानी में न सिर्फ अपना लोहा मनवाया बल्कि भारत देश का नाम भी ऊंचा किया। लॉकडाउन के समय में सबसे ज्यादा दिक्कत पहलवानों को हो रही है क्योंकि उनके सामने वजन बढ़ने का डर सबसे ज्यादा है। मैट पर तो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, लेकिन कई पहलवान ऐसे भी हैं जो घर में छोटी मोटी कसरत करके फिटनेस बरकरार रखने की कोशिशों में जुटे हैं। इन्हीं पहलवानों के मनोबल को बरकरार रखने और अन्य को प्रेरित करने के लिए अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ ने इस ऑनलाइन प्रतियोगिता को करवाने का निर्णय लिया है। अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के चेयरमैन प्रशांत रोहतकी ने सभी पहलवानों के लिए ऑनलाइन अपनी वीडियो शेयर करने को कहा। उन्होंने कहा है कि सभी पहलवानों को सुनिश्चित किया जाता है कि आप अपनी कसरत की वीडियो या लॉकडाउन के बारे में विचार वीडियो हमें भेजें। वीडियो को कुश्ती जगत फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल पर लगाया जाएगा। 3 मई 2020 को इसकी अंतिम तारीख होगी। जिसको ज़्यादा लाइक मिलेंगे उसको अखबार में प्रकाशित वो इनाम और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। कमेटी का फैसला अंतिम और मान्य होगा। बता दें कि आप अपनी वीडियो 09891823823 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ में ध्यान रहे कि वीडियो भेजने वाला व्यक्ति अखाड़े का एड्रेस भी भेजे। तो इस तरह से सभी पहलवान अपनी अपनी कसरत का वीडियो भेज सकते हैं। दोस्तों जय श्री राम। मैं अजय भारद्वाज, अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ दिल्ली इकाई का चीफ पैटर्न, आप सभी को इस लॉकडाउन के अंदर सभी पहलवानों से मेरा अनुरोध है कि अपने घर में रहें। लेकिन क्योंकि जब पहलवान घर में खाली बैठ नहीं सकते, इसलिए अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ ने एक योजना लागू करी है जिसके अंदर कि हमारे पहलवान घर में रह के प्रैक्टिस रखें और आने वाले दंगल के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि जो कुश्ती है वो एक पुराना खेल है, सदियों से कौरव पांडव के टाइम से कुश्ती मिट्टी में ही खेली जाती थी। और हमारे अखिल भारतीय पदाधिकारी प्रशांत रोहत की बब्बू खलीफा, जिन्होंने जामा मस्जिद में दंगल के टाइम में और भी दिल्ली के अंदर दंगल को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी की कुश्ती के अंदर पहलवान तैयार करे हैं, उन्होंने इस योजना का शुभारंभ करवाया है। इसके तहत हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने 3 प्राइज रखे हैं और पहलवानों को इसके लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में ही रह के वह डंबल करें, रस्सा कूदें, दंड पहले और उठक बैठक लगाएं और उससे वह अपने शरीर को स्वस्थ रखे, हिट रखे, फिट रखे और आने वाले दंगल के लिए अपने आप को तैयार करे। और हमने इसके लिए हमारा जो कुश्ती जगत के नाम से यूट्यूब चैनल है उसमें सब ये अपना वीडियो बना के अपलोड करें। हमारे जो काली रमन चेयरमैन अखिल भारती है, उन्होंने एक कमेटी बनाई, वह कमेटी तय करेगी और सबको उस प्राइज का डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।